आध्याय चौथो ज्ञान कर्म संन्यास योग। अविनाशी योग आ सूर्य ने मैं पहला कहियो, सूर्य ए मनु ने कहियो, मनु ए ते इक्ष्वाकु ने। परंपरा थी योग आ राजर्षिओ जानता हता, लांबा काले अर्जुन तेनो लोक माथी नाश थयो। अर्जुन कहे हे कृष्ण, जन्म आपनो हमणा थयो, सूर्यनो ते पहलानो तो केवी रीते तेने कहियो। कृष्ण कहे हे अर्जुन, जन्मो आपणा अनेक थया, ते बधाने हूँ जाणू, पण तू तेनाथी छो अजाण। अविनाशी अजन्मा ईश्वर होवा छता हूँ प्रकृति ने आधीन रही जन जन्म धारण करूँ छू। धर्मनी ज्यारे पड़ती थाय अधर्म अति वधी जाय, त्यारे हे अर्जुन हूँ जन्म धारण करूँ छू। सत्पुरुषोनु रक्षण करवा, पापीओना नाश करवा, फरी धर्मनी स्थापना करवा, युगे युगे हूँ जन्म धरूँ। मारा दिव्य जन्म कर्म ने साची रीते जाने ते, फरी जन्म ना पामी मने ज प्राप्त थाई छे। राग भय क्रोध विना ना मारा शरणे आवेला, ज्ञान रूपी तप वड़े मारू स्वरूप पाम्या छे। जेवा भाव थी मने भजे, तेवा भाव थी हूँ भजू, केम के बधा सर्व रीते मने ज अनुसरे छे। कर्मनी इच्छा वाला देवताओं ने पूजे छे, कर्मो वड़े थती सिद्धि जल्दी थी प्राप्त थाय छे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मारा करेला वर्णो जाण, ते बधानो करता हूँ छता अकर्ता मने जाण। कर्म फल मां स्फुआ रहित हूँ कर्ममांथी ना ले पाऊँ, आ रीते मने जाणे ते कर्मोमां ना बंधाय। पूर्वकाळना मुमुक्षुओ एम जा समझी कर्मो करता, तेथी हे अर्जुन तू पूर्वजोनी जेम कर्मो कर। अकर्म ने कर्म बाबत विद्वानो पण मुंजाई जाय, तत्व तेनू कहूँ तने जेथी तारी मुक्ति थाय। तत्व कर्मनु तू जाण, तत्व अकर्मोनु जाण, विकर्मोनु ते पण जाण। कर्म गति बहुगहन, अकर्म मा कर्म जुए, कर्म मा अकर्म जुए, ते बुद्धिमान योगी पूर्ण कर्म करनारो छे। जेवो ना कर्मो बदा कामनाओ रहित थाय, ज्ञान थी जेना कर्मो थई गया तेने तू पंडित जाण। सदा संतुष्ट रहनारो निष्काम कर्म करनारो, कर्मो बदा करे तो ये कर्मो थी ना ले पाई छे। कर्म फळनी आशा छोड़ी शरीर मन ने वश करी, निर्वाह माटे कर्म करनार पाप थी ना ले पाई छे। सुख दुख थी पर थई सदा संतुष्ट रहे ते समभाव वाळो पुरुष कर्म माना बंधाय छे। आ शक्ति विनानो जे आत्मज्ञान थी स्थित छे, यज्ञ माटे कर्म करनार कर्मो थी ना बंधाय छे। ब्रह्मरूपी होता द्वारा ब्रह्मरूपी अग्निमा होमायेलू द्रव्य ब्रह्म, होम पण ब्रह्म ज छे। ब्रह्मरूपी कर्म मा समाविष्ट योगी ने प्राप्त थतु फल जे ते पण ब्रह्म ज छे। केटलाक योगी यज्ञ वड़े देवताओं ने पूजे छे, ज्ञान यज्ञ द्वारा कोई परमात्मा मा स्थित थाय छे। संयम रूपी अग्निमा इंद्रियो ने होमे कोई, इंद्रियो रूपी अग्निमा विषयों ने होमे कोई। इंद्रिय प्राणना कर्मों ने ज्ञान वड़े प्रदीप्त थयेल, आत्मसंयम योगी रूपे अग्निमा होमे कोई। कोई द्रव्य यज्ञ करे तप यज्ञ करे कोई, कोई योग यज्ञ करे ज्ञान यज्ञ करे कोई। कोई अपान वायु मा प्राणवायु होमे छे, कोई प्राणवायु ने अपान वायु होमे छे। कोई योगी जनो वड़ी प्राण अने अपाननी गतिओने रोकीने तेवो प्राणायाम करे छे। कोई आहार नियत करी प्राणायाम करे छे। आ बधा यज्ञ द्वारा पापनो नाश थाय छे। यज्ञना वधेल अन्ननु जे भोजन करे ते सनातन परम ब्रह्म परमात्माने पामे छे। यज्ञ नहीं करनाराने आ लोकमां सुख नहीं, तो पछी परलोकमां तेने क्यांथी सुख होय। वेद में कहेल यज्ञों बधा
સકામ કર્મો વાળા જાણ, આ તત્વ જાણી તું કર્મબંધનથી મુક્ત થઈશ. દ્રવ્યમય યજ્ઞ કરતા જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. હે અર્જુન, જ્ઞાન થતાં કર્મો બધા પૂરા થાય. તત્વદર્શી જ્ઞાની તને એ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરશે. સેવા કરી તેની એ યજ્ઞને જાણી લે. એ યજ્ઞ જાણ્યા પછી મોહ ના પામીશ તું. સર્વ પ્રાણીઓને તું તારાને મારામાં જોઈશ. બધા પાપીઓથી પણ વધુ પાપી જો તું હોઈશ તો પણ બધા પાપીમાંથી બધા પાપોમાંથી જ્ઞાન વડે મુક્ત થઈશ. જલતો અગ્નિ લાકડાને ભસ્મ કરી નાખે છે જેમ, જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ બધા કર્મોને ભસ્મ કરે તેમ, જ્ઞાન જેવું પવિત્ર જગમાં ના બીજું કંઈ જ્ઞાન યોગથી સિદ્ધ થયેલ આત્મા અનુભવ કરે છે. જીતેન્દ્રિય શ્રદ્ધાવાળો તે જ્ઞાનને પામે છે. જ્ઞાન પામી તુરત તે પરમ શાંતિને પામે છે. શ્રદ્ધારહિત સંશયવાળા અજ્ઞાની મનુષ્યો આ લોક કે પરલોકમાં ના સુખ પામે છે. યોગીથી જેના કર્મો ગયા, જ્ઞાનથી સંશય છેદાયા, એવા આત્મનિષ્ઠ પુરુષ કર્મોથી ના બંધાય છે. અજ્ઞાન વડે ઉત્પન્ન થયેલ મનમાં રહેલ સંશયને જ્ઞાન વડે છેદી તું યુદ્ધ કરવા ઊભો થા. આધ્યાય ચોથો સમાપ્ત.